कहीं पे ओरिजिन है, मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है 0.0। अब यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा तो ये जो फुट है ना, ये फुट ये एफ है ना, ये जो फुट है इसकी हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बतानी है, समझ गए आप। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और नए एपिसोड में। और अब मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। आप में से बहुत सारे बच्चों के डिमांड आ रहे थे कि सर जो VITEE 2021 का मॉक टेस्ट चल रहा है उस पे आप ट्रिक्स लगा के दिखाइए, उसके क्वेश्चन लीजिए और उसमें दिखाइए कैसे ट्रिक्स लगता है। तो मैंने मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कलेक्ट किए स्टूडेंट्स से एंड उसके बाद मैंने देखे कौन कौन से क्वेश्चन में ट्रिक्स लग सकता है। सारे क्वेश्चन तो मेरे पास सही तरीके से नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आ पाए हैं धुंधले स्क्रीनशॉट्स आए हैं मेरे पास में, तो जो भी करेक्ट क्वेश्चंस मेरे को सही तरीके से रीड हो पा रहा है उसको ही मैं ले पाऊंगा। तो यहां पर मैंने इस वीडियो में दो क्वेश्चंस आपके लिए लिया है। बच्चों की एक और डिमांड आ रही थी कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री का लीजिए, तो मैंने फिजिक्स का यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया है और एक क्वेश्चन मैंने मैथ्स का ही कंटिन्यू किया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है VITEE 2021 के मॉक टेस्ट का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास में मैथ्स का है, जिसमें हमको दिख रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कुछ हमारे पास में 3D से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये हमारे पास में जो है क्वेश्चन अगला फिजिक्स का है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर मैथ्स के अलावा भी कुछ लीजिए, तो फिजिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ऑप्शंस को बहुत खतरनाक तरीके से एलिमिनेट करके अपने आंसर को मार्क करेंगे। यहाँ पर कुछ हमको मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्क डन वगैरह हमको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ये भी VITEE 2021 के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट के हैं, आज और कल बच्चों के पेपर के जो मॉक टेस्ट के पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से ही मैंने ये दोनों क्वेश्चंस को उठाए हैं, राइट। और आप में से जितने भी बच्चों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया आपके पेपर में भी ये क्वेश्चंस जरूर आए होंगे। तो पहले तो कमेंट करके जरूर मेरे को नीचे बताना कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, दोनों किए थे, एक किया था दूसरा नहीं किया था, जो भी आपने किया था, मैथ्स का किया था, फिजिक्स का नहीं किया था, कौन सा किया था, या दोनों ही नहीं किए थे, मेरे को कमेंट करके जरूर से अभी बताना। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो हमारे पास में क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस फ्रॉम ओरिजिन इज, ये हमारे पास में क्या है, ये एक प्लेन है। प्लेन समझते हो ना, है ना, अगर प्लेन भी नहीं समझते हो तो बहुत परेशानी वाली बात है। कम से कम मैं ये कहूंगा आप लोगों से थोड़ा बेसिक टर्म्स जान के एग्जाम में जाओ, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए तभी आप ट्रिक्स लगा पाओगे। तो बेसिकली ये एक प्लेन होता है, ठीक है, इस टाइप की कोई चीज आप समझ लो, है ना, इस टाइप की आप कोई चीज समझ लो, ये एक प्लेन है, जो पेपर है ना ये एक प्लेन है समझ लो, राइट, इसको आप एक प्लेन समझ लो, है ना। तो ये इस टाइप का एक प्लेन होता है, लाइन समझते हो, सिंगल लाइन होता है, प्लेन हमारे पास में होता है एक, ये जैसे ये पेपर है तो ये पेपर का प्लेन है, इस टाइप की चीज, राइट। अब हमारे पास में क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन, अब मान लो कहीं पे ओरिजिन है, मान लो यहां पे ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है 0.0। अब यहां से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर जाएगा तो ये जो फुट है ना, ये फुट ये एफ है ना, ये जो फुट है इसकी हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बतानी है, समझ गए आप। ओरिजिन से किसी प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब 90 डिग्री इस तरीके से बनेगा, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, जो प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा, उसको हम यहाँ पर ऑप्शंस में से हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। अब जो बच्चों ने 3D पढ़ रखा है वो तो सॉल्व कर ही लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने 3D नहीं पढ़ रखा है उनका क्या, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर वो मेरी ट्रिक्स देख रखे हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कहाँ से देखे समझ में नहीं आता है, आप मेरे चैनल में AR स्क्वाड चैनल पे आपको दिखेगा होम, फिर आपको दिखेगा वीडियोस, इस तरीके से आपको कम्युनिटी पोस्ट दिखता है ना, स्टोरी टैब, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलता है, ठीक है, चैनल के पेज में होम वीडियोस ऐसे करके प्लेलिस्ट का एक आपको कॉलम मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको दुनिया भर के जितने भी प्लेलिस्ट मैंने आज तक बना रखे हैं वो सारे दिखेंगे, वहाँ पर जा करके चूज कर लेना, ढूंढ लेना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे के रखता हूँ, वहाँ से भी जा सकते हो, अदरवाइज चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके वहाँ से एंड चीट कोड्स को खोज सकते हो, वहां पर आपको 100 से ज्यादा वीडियोस पूरी की पूरी मिल जाएंगी। तो अगर आपने मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट देख रखी है, ये वाला वीडियो देख रखा है, तो आप कैसे चुटके में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे, अभी देखो आपको क्या करना है, इसको बस सेटिस्फाई करा लेना है। देखो जो भी आपका आंसर आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, यही तो हम स्ट्रेट लाइन में भी करते हैं, तो अगर स्ट्रेट लाइन में करते हैं तो प्लेन में भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को बैठा के देख लेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वो हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आया। तो हम क्वेश्चन को छोड़ने के बजाय ये वाला तरीका अपनाएंगे, इसमें क्या है, थोड़ा बस कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, तो एक तरीके से बोनस हुआ, आपने पढ़ाई नहीं करी फिर भी आपको नंबर मिल गए तो बोनस ही हुआ ना, राइट। तो अब देखना हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको पुट करेंगे, तो क्या होगा, 24/29 into 2, मतलब कि 48/29 प्लस
3 into 48 कितना होगा 144, है ना, 144 by 29 plus 4 into 36 कितना होगा, अगेन 144, है ना, 144 by 29. तो क्या ये 12 के बराबर आ रहा है? देखो क्या ये 12 के बराबर आ रहा है, 29 ये हो जाएगा 288 plus 48 कितना होता है भाई, ये हमारे पास में 8 और 8 16, है ना, और ये हमारे पास में हो जाएगा 13, 336 हो रहा है, तो ये हमारे पास में 336 हो रहा है. तो क्या ये 12 आएगा? तो 29 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 29 इंटू 12 करके देख लो, 9 2 18, 2 2 4, है ना, 2 2 4 5, ये हो जाएगा 9 1 9, और ये हो जाएगा हमारा 2 1 2, तो ये आ रहा है 8 9 5 14, 348, ये 348 के बराबर आ रहा है. मतलब ये 336 नहीं आ रहा, मतलब ये इक्वल टू 12 नहीं आ रहा, तो इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे. राइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको पुट अप करेंगे, तो ये हमारे पास में आएगा 48/29 प्लस 36 into 3 आएगा हमारे पास में 108/29, है ना, 36 into 3, और फिर 48 into 4 हमारे पास में आ जाएगा 192/29, तो ये हमारे पास में आ जाएगा टोटल कितना आएगा 192 और 108 ये मिला के 300 आ जाएगा, 300 और 48 मिला के 348 आ जाएगा. तो 348/29 तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके देखा कि 29 into 12 348 आ रहा था, और यहाँ पर हमारा 348/29 आ रहा है, मतलब कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. हम इसको मार्क करके अगले क्वेश्चन में चल देंगे. लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को डाउट हो कि यार ये सही होगा नहीं होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों को भी चेक कर सकते हो. अगर आप इन दोनों को चेक करोगे तो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ. 36 इंटू 2 अगर आप करोगे तो 72/29 हो जाएगा, प्लस 24 इंटू 3 अगर आप करोगे तो आपका हो जाएगा 24 इंटू 3 हो जाएगा 72/29 अगेन, और फिर आपका 48 इंटू 4 करोगे तो आपका हो जाएगा 192/29, तो ये आपका हो जाएगा 192 और 144, इन दोनों को मिला के 144 आएगा. तो 192 और 144 आपका ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा 336/29, मतलब फर्स्ट वाले के जैसा ही हो गया, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. और लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर माइनस साइन आपको दिया है, तो माइनस 24 into 2 आएगा माइनस 48/29, फिर आपका आएगा 48 into 3 आपका आएगा 144/29, और फिर माइनस 36 into 4 आएगा माइनस 144/29, तो ये दोनों आपका कट जाएगा, ये आपका बचेगा. तो क्या ये आपका 12 के बराबर है? 12 के बराबर नहीं है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया. तो देखो कितने आसानी से हमने तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमने करेक्ट आंसर को मार्क कर लिया, और जो क्वेश्चन हम छोड़ के आने वाले थे वो हमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया. काफी सारे बच्चों के गलत हुए थे क्वेश्चन, जो भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह मेरे पास आए थे आप लोगों ने गलत आंसर मार्क करके रखा था, इसका आंसर होगा बी, और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. अभी एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, बोलने में टाइम लगा है, जब खुद से करोगे तो काफी जल्दी हो जाएगा. जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था तो विद इन 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर अंदर मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया था, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख के आप समझ सकते हो कि यार यू नो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि आपका बी ऑप्शन सेटिस्फाई हो ही चुका है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट 12 आना है, एग्जैक्ट 12, तो काफी कम चांस है कि आपके ये को, देखो ये जो नेगेटिव है, अब इतना सॉल्व मैंने करके दिखाया है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ओरली हो जाता है. ठीक है, ये सारी चीजें जो है कैलकुलेशन जो मैं ऐड वेड करके दिखा रहा हूं ये सब ओरली हो जाता है, फास्ट हो जाता है. लेकिन अगर आप ओरली नहीं भी कर पा रहे हो, ये सारी चीजें जो है ना, ये मल्टीप्लीकेशन मैंने ओरली कर लिया था, लेकिन अगर आप ओरली नहीं भी कर पाते हो तो भी आपको 2-2.5 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं मिलेगा, तो क्वेश्चन छोड़ने से तो बेटर ही हुआ ना. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का है, हमको क्या कह रहा है, अ मैग्नेट इज पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ इट इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री द वर्क डन इज 0.8 जूल, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग इट 30 डिग्री फर्दर. अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ही अगड़म बगड़म ट्रिक लगाऊंगा मैं इसमें, और ये आप लोग भी लगा सकते हो, लेकिन सही हो जाएगा. देखो कैसे, सबसे पहले तो आपको देखो आपको कुछ ना कुछ पता है, देखो आपको हल्का फुल्का आपने पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ पता है, जैसे कि कुछ पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना, कुछ इस तरीके का एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इस टाइप का कुछ आपको फॉर्मूला धुंधला धुंधला याद आ रहा है. इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इतना धुंधला धुंधला से याद रहे, मतलब ऐसा ही थोड़ी कि आपने बिल्कुल भी बुक नहीं खोला, हल्का फुल्का तो कभी ना कभी खोला होगा ना, तो कुछ इस टाइप का आपको फॉर्मूला वार्मूला आपको हल्का हल्का धुंधला याद आएगा, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको सही तरीके से याद नहीं है, मतलब आप अभी इस कंडीशन में नहीं हो कि आप इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर पाओ, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे सॉल्व करना है. राइट, तो आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे, क्वेश्चन छोड़ने से बढ़िया है जुगाड़ लगा लो. जुगाड़ क्या है, सबसे पहले तो ऑप्शन को देखो, तो ये हमारा दिया है जूल में और ये हमारा दिया है अर्ग में,
नहीं मतलब मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है कुछ भी, यहाँ पे जूल में, यहाँ पे अर्ग में कैसे हो जाएगा, जूल और अर्ग में कन्वर्जन होता है इतना आपको पता है ना। अब कन्वर्जन क्या होता है, कितना होता है, उतना नहीं जानना, बस कन्वर्जन होता है वहाँ पे, कुछ ना कुछ आता है 10 का पावर में, इतना आपको आइडिया है। तो यार ये एकदम से अर्ग्स में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, इतना तो आपको क्वेश्चन देख के फील आ ही गया होगा। तो अपन इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब समझने का ट्राई करना, अब यहाँ पर डीप सोचना पड़ेगा। यहाँ पर अब क्या है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वैसे तो देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो आप ब्लाइंड गेस में भी जा सकते हो, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी आपका इस एग्जाम में नहीं है, राइट, तो आप ब्लाइंड गेस भी मार सकते हो। लेकिन थोड़ा और सोचो, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार 60 डिग्री है तो 0.8 तो 30 डिग्री में आधा हो जाना चाहिए, है ना, तो बच्चे क्या करेंगे 0.4 मार्क कर देंगे और यहीं पर गलती हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और डीप सोचना है, देखो एक चीज समझो कि यार ये जो भी घुमाने वाला चक्कर हो रहा है, घुमक्कड़ जो भी इसका चक्कर हो रहा है, ये रोटेट किया जा रहा है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये देखो स्टार्टिंग में पैरेलल था, है ना, तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर थीटा 50 है तो जो वैल्यू आएगी, और तो थीटा 25 है तो उसकी आधी वैल्यू आएगी, और थीटा अगर 12.5 है, 12.5 है तो 4/4 वैल्यू आएगी, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। देखो इतना ईजी अगर फॉर्मूला होता तो आपको पढ़ा हुआ होता ना पहले से, है ना, ये थोड़ा अगड़म बगड़म फॉर्मूला है इसीलिए तो आपको सही तरीके से याद नहीं है। इतना ही आसान होता तो आपको पता होता कि हाँ भाई थीटा आधा मतलब वैल्यू आधी वर्क की, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब अपन को क्या है, थोड़ा उल्टा लॉजिक से सोचना है कि यार ये सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि यार पहले 60 डिग्री रोटेट किए तो 0.8 आया, अब 30 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो आधा तो नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला में कुछ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा चीज नहीं था। क्या आपको फील आ रहा है, क्या आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, दो ऑप्शन एलिमिनेट किया, डैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, लेकिन अगर आप थोड़ा और डीप सोच पाओ तो इसका आंसर जो है आप 0.8 ही मार्क करके आओगे, क्योंकि यहां पर एंगल का एक रोल प्ले होता है, क्योंकि ऑलरेडी रोटेट हो चुका है 60 डिग्री रोटेट, ऐसा कोई सीधा नहीं है। जैसे मान लो अगर हम सीधा जाते हैं, जैसे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अब हम सीधा जा रहे हैं, है ना, अब डिस्प्लेसमेंट को डबल कर दोगे तो वर्क डबल हो जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट डबल किया वर्क डबल हो जाएगा, क्लियर है, एकदम सीधा सीधा रिलेशनशिप है। लेकिन यहां पर सीधा सीधा रिलेशनशिप नहीं है, यहां पर एंगल का रिलेशनशिप है, यहां पर हमारे पास में देखना पड़ेगा कि यार पहले मैग्नेटिक फील्ड कहां थी, मैग्नेट किस तरीके से ओरिएंटेड था, उसके बाद में कहां है और उसके बाद में और कहां जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एंगल का यहां पर बात आ रहा है रादर देन एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यार 60 डिग्री है तो इतना, तो 30 डिग्री है तो उसका आधा, कहीं ना कहीं कुछ हमको सॉल्व करना रहता है, ये आप सोच सकते हो, और इस बेसिस पे आप 0.4 को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली आधा हुआ है, राइट, 0.8 आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को यार मन में क्यूरियोसिटी भी हो सकती है कि यार सर ये कैसे सॉल्व होगा, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपकी क्यूरियोसिटी दूर करके सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, राइट। देखो होता क्या है, mb cos theta 1 minus cos theta 2 होता है, तो सबसे पहले आपका क्या है mb cos theta 1, सबसे पहले तो 0 डिग्री था तो cos 0 आएगा, cos 0 डिग्री minus cos theta 2 में 60 डिग्री आएगा, है ना, cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.8, तो यहां से mb निकाल लो, mb cos 0 होता है 1 और cos 60 होता है 1/2, तो 1 minus 1/2 ये आएगा 0.8, तो mb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mb की वैल्यू आ जाएगी हाफ हो जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा 2, 1.6 आ जाएगा। ये आपको समझ में आया, ये फर्स्ट केस था। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, 60 से 30 में जा रहा है, पहले 0 से 60 गया, अब 60 से 30 जा रहा है, तो वापस से यही फॉर्मूला लगाओ, mb है ना cos थीटा 1 मतलब cos 60 और माइनस cos थीटा 2 मतलब cos 90, है ना, 60 पे था 30 और चला गया तो 90 पे पहुंच गया ना, राइट, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब mb की वैल्यू 1.6 हमको पता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 हमको पता है, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली बात ये हुआ, यहाँ पे 1 minus 1/2 था और यहाँ पर 1/2 minus 0 हो गया, अल्टीमेटली आया 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आया था और यहाँ पर भी 1/2 ही आया है, तो ये अल्टीमेटली 1.6/2 वापस से 0.8 आ जाएगा, तो हमारा आंसर 0.8 हो जाएगा। ये एक्चुअल तरीका था सॉल्व करने का, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस को थोड़ा सा डीप सोच करके आइडिया लगा सकते हो कि डायरेक्टली ऐसे आधा आधा नहीं होगा, ठीक है, कुछ तो भी अगड़म बगड़म था, तो आप लोग 0.8 को मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये डीप थिंकिंग नहीं भी लगा पाते हो तो भी कोई बात नहीं, आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट किया उसके बाद आंख बंद करके मार दो, सही हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वैसे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, और ये वाला क्वेश्चन तो एकदम एग्जैक्टली हमारा आंसर आ ही गया था, हमने पॉइंट्स को पुट अप करके देख लिया था, बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा, इन ट्रिक्स को लगाना सीखा होगा। अब अगर मॉक टेस्ट में हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं तो एक्चुअल एग्जाम में भी लगा सकते हैं। 2018 के क्वेश्चंस मैंने लिए, 2019 के लिए मॉक टेस्ट के भी ले लिए, 2021 में जो भी एक्चुअल पेपर होगा उसमें भी आप लोग कहीं ना कहीं ट्रिक्स लगा के अपने मार्क्स को, अपने रैंक को इंप्रूव कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक करना मत भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में जो भी VITEE के एग्जाम देने वाले हैं, ताकि वो भी इस चैनल का कुछ फायदा उठा पाए, इस चैनल का थोड़ा मजा उठा पाए, फायदा उठा पाए, अपने इस चैनल की हेल्प से अपने रैंक को वो भी थोड़ा इंप्रूव कर पाए। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसको देखने के लिए बने रहिए यार।